Welcome to Nav Classes. Today we discuss about primary and secondary functions of human resource management. What are the primary functions of human resource management? These are directly involved with obtaining and maintaining and developing the employees. It means यहाँ पर हमें direct link होता है कि किस तरीके का हमें employee चाहिए, किस टाइप का एम्प्लॉय हमें ऑब्टेन करना है, उनको मेंटेन किया जाता है सो दैट वो अपना वर्क अच्छे से करें, और उनको डेवलप किया जाता है, उनकी स्किल्स और उनके माइंडसेट को डेवलप किया जाता है. ठीक है, तो इसके अंडर क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि विच टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वी रिक्वायर, किस तरीके का ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए, और in which department we require our human resource, and for that which type of skills and knowledge is required to be in the human resource. उस किस तरीके की knowledge एक person में होनी चाहिए particular task करने के लिए, organization के according उसकी skills कैसी होनी चाहिए, और organization के according वो अपना किस तरीके का कैसा work अच्छे से कर सकता है. ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करते हैं कि हमें कैसा वर्कर चाहिए, उसकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, और उसको लिए हम कितना पे कर सकते हैं, कंपनसेशन कितना होना चाहिए, और किस तरीके से उनको अप्रेज करेंगे सो दैट उनका वर्क हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँ. देन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मीन्स वी प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी पर्सन हु कम्स टू टेक आर ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वर्कर. ओके, सो हम सभी जितने भी लोग हमारे पास आते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई ऐसा वर्कर जिसके पास एकेडमिक नॉलेज कम है लेकिन ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे सकता है, तो उनकी जो मेंटल स्किल्स होती है टू थिंक अबाउट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट बट वेरी स्पेशल टू आर ऑर्गेनाइजेशन. सो वी गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पर्सन so that they can show their inherent skills and we can choose the best person amongst them. Staffing, then we do the recruitment and selection process to staff required employees to required job. तो हम इसके बाद अपना recruitment और selection process carry forward करते हैं. Compensation and benefits, HRM का main function है कि वो कितना compensation हम एक किस टाइप के जॉब के लिए दे सकते हैं, और कितना नॉन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दे सकते हैं, कि उनको अप्रेस करने के लिए कौन से टाइप की जॉब में हमें ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स देने हैं और कौन से टाइप की जॉब में हमें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देने हैं. फिर एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने कंपनी में ऐसा रिलेशन बनाना होता है सो दैट एम्प्लॉयज कैन वर्क विद द हेल्प ऑफ ईच अदर एंड दे कैन गो फॉर द with their own knowledge and expertise, and they can input their own knowledge as additional input to your output. Okay, तो अपनी extra जो उनके पास knowledge है वो भी अच्छे से एक काम के अंदर वो डाल पाएँ, और उनका जो labor relation है हमारा, employees का आपस में relation है और labor का relation है, उसको भी हम अच्छे से develop करना चाहिए, उसको अच्छा रखना चाहिए ताकि grievances ना हो, क्योंकि in later stage अगर grievances होते हैं तो उसमें company का, organization का और workers का और हमारे main output का सबका loss होता है. That is why HRM is supposed to take care of employee and labor relations. अब उनकी health, safety and security is also important as बहुत सारे चीज़ें हमें रखनी पड़ती है, लाइक फायर एक्सटिंग्विशर, और उनकी सेफ्टी प्रोसेस के लिए उनको सिखाया जाता है कि एक अगर मशीनरी पे वर्क करना है तो उसका कैसे यूज़ किया जाए सो दैट उनका हैंड कट ना हो और समथिंग लाइक दैट. तो उनकी हेल्थ और सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. इन केस अगर हमारे कंपनी में कैंटीन है तो उनकी अच्छी फूड ही उनको प्रोवाइड किया जाए सो दैट उनकी हेल्थ ख़राब ना हो. रिमेंबर कि अगर हमारे वर्कर्स की हेल्थ ख़राब होगी तो कंपनी की भी हेल्थ ख़राब होगी. इट मींस वो अच्छे से अपना इनपुट नहीं दे पाएंगे. और उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर्पस भी देखा जाता है, लाइक वुमेंस के लिए एक अलग स्पेशल सेफ्टी फिनोमिना सेट किया जाता है. अब उसके बाद देखो, एक प्राइमरी फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. वी आर सेइंग since beginning that human resource development is broader concept but it is the function of human resource management itself. Okay, so the whole lectures nowadays are going on the human resource development only, so you should understand that
this is the primary function of human resource management, but has broader criteria, broader concept. What are the secondary function of human resource management? These functions either provide support for journal management activities, या तो ये support provide करते हैं जो normal journal activities होती है management की उनको, या फिर involve होते हैं जानने के लिए, involved in determining और changing the structure of organization, कि organization का कैसा structure होगा और उसको हम कैसे change कर सकते हैं so that हम अपने goals को अच्छे से achieve कर पाएं. It includes organization and job design. सबसे पहले हम एक अपनी एक organization का खुद का एक design होता है कि उसने क्या क्या करना है और उसके अंदर कौन कौन से jobs आएंगे और उन jobs को करने के लिए कैसे कैसे चीज़ें चाहिए. तो organization and job design comes under this. Performance management, performance appraisal system. It's secondary function of human resource management to appraise the performance of their human resource and to manage the performance so that you can achieve as more as you can. Okay, ये एक secondary function है कि उस performance को manage किया जाए और उसको appraise किया जाए. कैसे appraise किया जाता है, यहाँ पे बहुत सारे criterias हैं like all type of compensation and other benefits. There are research and information systems. Human resource management को research करनी पड़ती है कि किस type का अगर job है तो उसके लिए कौन कौन से skills चाहिए. तो उन skills को एक different charts बनाए जाते हैं कि ये skills हमारे human resource में चाहिए और कौन किस type का information system चाहिए और उनका जो information system है वो कैसा होना चाहिए. लाइक जो हमें चाहिए, जो स्किल्स एंड नॉलेज एक्सपर्टीज चाहिए एक वर्क को करने के लिए, उसके कैसे अपने ह्यूमन रिसोर्स को बताया जाए सो दैट वो उस बात को अच्छे से समझे, अपना माइंडसेट बनाए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दे. सो हेयर वी एंड अप विद आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन है, लेकिन ये आया कैसे, इसकी एग्जिस्टेंस कैसी हुई, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल की लाइफ में. सो हाउ इट अराइजेज, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस इन आर नेक्स्ट लेक्चर. सो बी ट्यून्ड एंड मस्ट सब्सक्राइब. सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए सो दैट आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपके इनबॉक्स में, ईमेल में मिल जाए. थैंक यू.